हमारी दरबार की परंपरा तो महर्षि वाल्मीकि जी के समय की है, पर हमारे सन्यासी बाबा ने की, दादा गुरु जी ने की, तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन एक बात बोले, आप एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो। अरे भाई जरा जोर से बोलो, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता? पक्का पक्का? तो तीन शर्तें हैं, पूछो क्या क्या, जोर से पूछो। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार या दो महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी शर्त, जगह जगह भटक लिया लो, अपनी हंसी उड़वा ली हो, हर जगह से निराश हो गए हो, तो एक काम करना, अपने घर पर जाना, बागेश्वर हनुमान जी का चित्र रख करके, या बागेश्वर हनुमान जी या कोई भी हनुमान जी का चित्र रख करके हाथ में नारियल लेकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे बालाजी और हम तुम्हारे हो गए। और जाओ, उसके बाद हम तुम्हें दावे के साथ कह सकते हैं, दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती, और तुम्हें हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पागलों, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, तुम्हें जुड़ना ही है, श्रद्धा रखनी ही है। हमारे जैसे मूर्ख पर मत रखो, हमारे जैसे नालायक पर मत रखो, हमारे जैसे विचित्र इंसान पर मत रखो, श्रद्धा रखनी ही है। तो जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठठरी बारते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी पर अपनी श्रद्धा रखो। दूसरी बात, लेकिन इतना कह सकते हैं, हमारा मानना है, लोगों का कहना, पर्चा का दरबार क्यों लगाते हैं? हमने कहा, आज तक तथा कथित लोगों ने भारत के लोगों को भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और जो कहते थे सनातन धर्म क्या है, लोग कहते थे क्या है तुम्हारे धर्म में, संत तो पाखंडी होते हैं, कोई दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं, तुम्हारी ठटरी। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा वाले पोल खोलने आते, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके जाते। यही हनुमान जी के चरणों का चमत्कार है। किसका चमत्कार है? और हमारी तुमसे भी प्रार्थना, जो दरबार में बैठे हैं, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, कि तुम फिर कहो गुरु जी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। बहुत अच्छा। तो यहां बालाजी बागेश्वर धाम सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की जय, हनुमान जय श्री राम। तो ये रिश्तेदार है, ठीक, कहां से आए? पठानकोट। अरे वाह, पास में कोई गांव आओ है क्या? अच्छा, माता थोड़ा नज़दीक आओ, क्योंकि आपने बहुत अर्जी लगाई, यहाँ बैठे बैठे बहुत अर्जी लगाई, घर पे भी अर्जी लगाई है ना जी माता जी। हाँ जी माता जी, पूछो क्या प्रश्न का समाधान, हम पहले इनका विषय कर लें। जी, और आप अपने बारे में भी पूछा, स्वास्थ्य के बारे में, हमने टोटल चार बातें लिखी। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, काम धाम रुका पड़ा, धन तंगी बनी हुई है, परिवार में अशांति है, अकाल मृत्युओं का रहस्य जानने के लिए आप आई हैं, माइक ले सकती हैं। अकाल मृत्युओं का रहस्य जानने आई, टोटल चार अकाल मृत्यु हुई, आपसे जुड़े हुए लोगों की हुई, इसमें जीजा जी भी हैं, आपके सगे भाई भी हैं, और कारण रहस्य जानने के लिए आई, कि इनके ऊपर तंत्र विद्या थी, ऐसा आपने अर्जी लगाया है, ठीक है। तो इसमें परिचय में आया, उल्लेख किया है कि सत्य है, टोटका विद्या की गई थी, मारण विद्या का प्रयोग किया गया था, वर्तमान में घर पे भी एक पीछे हो चुकी है, अब आगे बाल बांका नहीं होगा, आप घबराए ना, आशीर्वाद है। बालाजी बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। हमें आपके मायके के मकान का मिट्टी चाहिए गुरुजी। ठीक है, ठीक है गुरुजी। तो हम जब धाम पे रहें, हाँ जी, आप लेकर के आओ, ठीक है गुरुजी। और काम धाम में भी रुकावट बनी हुई है,
कार्यों के लिए भी हम आपका पत्र दे देंगे वहीं से। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। पिता को क्या हुआ था? ब्रेन स्ट्रोक 31 दिसंबर 2022। नस वाली जी, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हाँ जी ब्लॉकेज। हाँ, पहले फट गई थी हाँ, फिर ब्लॉकेज हो गया था हाँ जी। ठीक है, ठीक हो गए गुरु जी आपकी कृपा से, हनुमान जी की दया, हनुमान जी की दया से। और मैंने जैसे ही 31 दिसंबर को अमृतसर में, आपने घर की अर्जी लगाई थी ना? हाँ जी, और डैडी जी की अर्जी लगाई और भाभी जी को आप सपने में आए। सबकी स्वीकार है, हमें बस आपके मकान की मिट्टी मिल जाएगी तो एक जगह हमको संदेह है हाँ। जो संदेह ये है कि जो आपका मायके का परिवारजन है, क्या वही है जिसके ऊपर आपका शक है? चूंकि हमारे में तो आ गया है कि वही है, वो तांत्रिक भी है, लेकिन हमें उसका निराकरण हो पाएगा जब मिट्टी हमें मिलेगी। तब वो आप जब हम धाम पे रहें तो आप आ जाओ। अभी हम 25 तारीख से 1 तारीख तक रहेंगे, लेकिन इसमें ये जो मंत्र हमने तुम्हें बाद में लिखा बहुत पावरफुल है देवी का, और ये तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा। आशीर्वाद। बात नहीं मानता, उल्टा चलता है, बीच बीच में विचित्र बातें बोलने लगता है, संगत भी उसकी डिस्टर्ब है, और जवाब बहुत ज़्यादा दे रहा है, हटीला है, उसके बारे में ये पूछना है। गुरु जी कह रहे कुछ नहीं, बचपना है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। एकदम सही। जय सन्यासी बाबा की। चलो माँ, जय हिंद जनाब, जय हिंद। पधारो।